कुमार त्रिपाठी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ और जनपद गोंडा का मूल निवासी। मैंने एक याचिका जो नोटिस के रूप में मानिए, अब याचिका ही समझिए जो कि नोटिस दिया, मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया है और उनसे ये कहा भी है कि अगर आप जो है इस संबंध में जो पतंजलि ऋषि का नाम का इस्तेमाल हो रहा है वो आप दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके संबंध में जो भी व्यापारिक आप कार्य कर रहे हैं उसको कार्य को बंद करने के लिए भी कहा गया है। और मैंने ये मांग की है कि आप जो है कई वर्षों से बाबा जी योग ऋषि का नाम जो है अपने व्यापारिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस व्यापारिक इस्तेमाल करने की रोक लगाने की मांग की है और मैंने कहा है कि आप जो है पतंजलि का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक सामाजिक आदमी थे, वो किसी को बिकने के लिए नहीं थे, वो तो देव रूप माने गए थे, उन्होंने योग का सूत्र दिया था, उनका ये मानना था कि ये योग अगर घर घर पहुँचेगा तो शायद लोग स्वस्थ और सुखी रहेंगे, लेकिन उनका ये पर्पस कभी नहीं था कि इसके बदले में पैसे के रूप में बेचे जाएं, जो आज बाबा रामदेव कर रहे हैं। और इस संबंध में मैंने कहा कि आज बाबा जो है उन्हीं योग गुरु ऋषि के नाम पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है, उनका आज टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपये पहुँच गया है, लेकिन जो पतंजलि ऋषि गोंडा में पैदा हुए कोडर गाँव में कोडर हिल के पास, आज तक बाबा जी उसको देखने भी नहीं गए, जिसके नाम पे आज वो करोड़ों रुपए। उन्होंने जवाब नहीं दिया इसका नोटिस का, तो आप आगे क्या करेंगे? पहले तो मैंने उनको 7 दिन का समय दिया है कि जिस दिन आपको नोटिस रिसीव होती है उसके 7 दिन के अंदर अगर आपने गोंडा जनपद में उस आश्रम पे जहाँ पे वो कोई ऐसा कार्य नहीं किया और 50% का जो प्रॉफिट है नहीं लगाया तो उनके खिलाफ हम जो है माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनके खिलाफ हम जो है आपराधिक और सिविल दोनों कार्रवाई करने की मांग करेंगे और उनको डी रजिस्टर कराने और उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाने का मांग करेंगे।